मलेशिया में शुक्रवार से हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। आपको बता दें, इसके चलते रविवार को 30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। सरकारी वेबसाइट के अनुसार देश के 16 राज्यों और संघीय क्षेत्रों में से 8 में से शनिवार को बाढ़ का जल स्तर खतरनाक स्तर पर चला गया, जिससे आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें, मलेशिया में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश भर में नदियों में उफान, लैंडस्लाइडिंग और सुनसान सड़कों पर डूबी कारें दिखाई दे रही हैं। वहीं देश के 15 हाईवे पर आवागमन बंद रहने से सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी है। इससे जरूरी चीजों की कमी होने का खतरा भी पैदा हो गया है। साथ ही यह दिसंबर के महीने की इस दशक की सबसे भीषण बाढ़ है। इसके कारण कई शहरी इलाके पानी में डूब चुके हैं। आपको बता दें, प्रमुख हाईवे बंद है, जिससे कई शहर एक दूसरे से कट गए हैं। बाढ़ के चलते हाईवे पर 5,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं।